नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजेश। एक नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। तो बने रहे आप हमारे साथ। गुलामी की जंजीर को तोड़ने वाले, मुगलों और दक्कन के राजाओं की नाक में दम करके रखने वाले, भारत में स्वराज की भावनाओं को जन्म देने वाले एक ऐसे वीर की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जिस समय लगभग पूरे उत्तर भारत पर मुगलों का राज था, जिस समय हिंदू धर्म खतरे में था, जिस समय भारत के अधिकतर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस समय एक चिंगारी भारत के दक्षिण में जल रही थी जिसने भारत में हिंदवी स्वराज के लिए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की। इस राजा का राज्य भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन इस राजा ने जिस विचार को जन्म दिया, उस विचार ने भारत में मराठा साम्राज्य का शासन दक्षिण से लेकर अफगानिस्तान तक कर दिया था। आज हम आपको बताने जा रहे भारत के एक ऐसे वीर की कहानी जिसके लिए लोगों के मन में आदर, सत्कार और प्यार आज भी जिंदा है। लोग इस राजा को देवता की तरह पूजते हैं, इसके नाम की वजह से नहीं बल्कि इनके कर्मों की वजह से। दोस्तों, उस वीर का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए शिवाजी का जीवन परिचय आपको बताते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने जमीन ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी राज किया है। मराठा साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग पुणे में हुआ था। कुछ जगह उनके जन्म की तिथि 6 अप्रैल 1627 दर्ज है, जबकि मराठा लूनर कैलेंडर के अनुसार कुछ पार्टीज इसे 4 मार्च को भी मनाती है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ, उस समय भारत की गद्दी यानी दिल्ली पर शाहजहां का शासन था और दक्कन में 3 प्रदेश, अहमदनगर में निजामशाही, बीजापुर में आदिलशाही और गोलकुंडा में कुतुबशाही का शासन था। शिवाजी के पिता बीजापुर सल्तनत में सेना के कमांडर थे, इसलिए शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ गुजरा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई जिनसे उनका चरित्र निर्माण हुआ। शिवाजी के पिताजी ने उन्हें युद्ध कौशल और राजनीति सिखाने की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव को दी थी। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब शिवाजी थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी, लेकिन शिवाजी को आदिलशाही की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मावल के गाँव के लोगों को इकट्ठा कर अपने सेना बनानी शुरू कर दी। शिवाजी जानते थे इन लोगों में देश प्रेम और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जरूरत थी उन्हें सही नेतृत्व देने की, इसलिए शिवाजी ने उन्हें छापामार युद्ध में कौशल बनाया और हिंदी स्वराज का सपना दिखाया। उस समय की लड़ाइयों में किलों की अहम भूमिका थी, एक किला यानी एक रियासत, इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना शुरू किया। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तोरनागढ़ किले पर कब्जा कर लिया, इसके बाद कोडाना किला और फिर राजगढ़ किले को भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद तो शिवाजी महाराज ने एक के बाद एक किलों को छीनना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भिवंडी, चक्कन और कल्याण किलों को भी छीन लिया। शिवाजी के विस्तार नीति का मूल था कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक विस्तार करना, इसलिए उन्होंने लड़ने की बजाय संध्या, मित्रता, डर और छापामार युद्ध नीति में दुश्मनों को परास्त करने की रणनीति बनाई। इसके बाद शिवाजी ने खुद का किला जिसे किला रायगढ़ कहा जाता है उसका निर्माण शुरू करवाया, जिसमें बीजापुर के सुल्तान क्रोधित हो गए और उन्होंने पहले शिवाजी के पिताजी जो कि अपने पुत्र को समझाने के लिए कहा और उनके असमर्थता जताई जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिवाजी ने किलों पर आक्रमण बंद कर दिया और पिता को बचाने के लिए कोडाना के किले को भी आदिलशाह को वापस लौटा दिया। यह वही कोडाना का किला है जिसे वापस पाने के लिए तानाजी ने लड़ाई लड़ी थी और जिसकी कहानी को तानाजी फिल्म के माध्यम से सभी को दिखाया गया। आदिलशाह की कैद से छूटने के बाद शिवाजी महाराज के पिता बीमार रहने लगे और थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शिवाजी ने जावली राजा चंद्रराव यशवंत मौर्य को अपने एक रक्षक से मरवा कर जावली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि चंद्रराव ने शिवाजी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इस विजय से शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए
और उन्होंने बीजापुर में अपना विस्तार शुरू किया, जिससे परेशान होकर अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा गया। शिवाजी महाराज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आदिल शाह बहुत परेशान था और किसी भी तरह से शिवाजी महाराज को रास्ते से हटाना चाहता था। आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को 20,000 सैनिकों के साथ शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अफजल खान कदकाठी और सैन्य ताकत के मामले में शिवाजी से बहुत शक्तिशाली था, साथ ही वो बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक भी था। जब अफजल खान ने हमले शुरू किए तो शिवाजी महाराज ने इस तरह से बर्ताव करना शुरू किया जैसे वो उससे डर गए और वो अपनी सेना के साथ पहाड़ों में छुप गए। अफजल खान ने संदेश भिजवाया, शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलवाया। शिवाजी महाराज भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। दोनों एक शिविर में मिले, जहां अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की तो शिवाजी महाराज ने बाघ के नाखूनों से बने हथियार बघ नकासे अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद तेजी से बढ़ा और अब वे दक्कन में एक बड़ी शक्ति बन चुके थे। अफजल खान की मृत्यु के बाद आदिल शाह ने एक बार फिर से रुस्तम जा के नेतृत्व में शिवाजी महाराज को मारने के लिए सेना भेजी, लेकिन इस बार भी कोल्हापुर में हुई लड़ाई में उसे हार का ही मुंह देखना पड़ा। शिवाजी महाराज से बार बार हारने के बाद जब आदिल शाह के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत को देखकर औरंगजेब भी चिंतित था। उसने शिवाजी को हराने के लिए अपने मामा सहिस्ता खान के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख सैनिकों को दक्कन भेज दिया। सहिस्ता खान के पास एक बड़ी सेना थी और वो लगातार जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने पुणे में भी अधिकार कर लिया और शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि सहिस्ता खान की इतनी बड़ी सेना के सामने वो आर पार की जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने छापामार नीति अपनाते हुए 400 सैनिकों के साथ बरातियों के बेस में सहिस्ता खान के महल पर हमला कर दिया। इस हमले में सहिस्ता खान बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन भागते भागते उसकी 3 अंगुलियां कट गई। इसी हमले में सहिस्ता खान का बेटा भी मारा गया। इसके बाद सहिस्ता खान दक्कन से वापस भाग गया और औरंगजेब ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। 3 साल तक सहिस्ता खान ने मराठाओं को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसका बदला लेना और मुगलों को लूटकर उसे नुकसान की भरपाई करना जरूरी था, क्योंकि सूरत मुगल साम्राज्य का एक अति धनी शहर था और इसी जगह पर ब्रिटिश, फ्रेंच और डच के लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी थी। शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर आक्रमण करके वहां जमकर लूट मचाई और अपने नुकसान की भरपाई की थी। सूरत का यह हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उधर शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए नेवी की स्थापना और सी फाटर्स का निर्माण भी शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज को भारत में फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। सी फाटर्स के जरिए नेवी को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती थी, साथ ही जंजीरा किले की सिद्धि और पुत्रगालियों की नेवी से भी मुकाबला किया जा सकता था। इस कड़ी में शिवाजी महाराज ने सुवर्ण दुर्ग, सिंधु दुर्ग, पदम दुर्ग किले का निर्माण करवाया और विजय दुर्ग को और मजबूत बनाने का काम भी किया। सूरत पर हुए हमले के बाद अब औरंगजेब किसी भी कीमत पर शिवाजी महाराज को अपने कंट्रोल में करना चाहता था, साथ ही वो अपनी रियासत में हुई लूट का बदला भी लेना चाहता था। इसलिए उसने राजा जय सिंह को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा। जय सिंह के खिलाफ शिवाजी महाराज का भयंकर युद्ध हुआ और उन्हें हर जगह हार का मुंह देखना पड़ा। इस लड़ाई में शिवाजी को संधि करनी पड़ी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, जिसमें शिवाजी महाराज को बहुत से किले वापस कर औरंगजेब का बीजापुर के खिलाफ साथ देने का वादा करना पड़ा। इसी बीच औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बुलाया, जहां पर शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी गए, लेकिन उस दरबार में हुए अपने अपमान को शिवाजी सहन नहीं कर पाए और औरंगजेब का विरोध कर दिया। लेकिन इस समय बाजी औरंगजेब के हाथ में थी और उसने शिवाजी को आगरे के किले में नज़रबंद करवा दिया। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे, अपनी कुशल रणनीति की वजह से और अपने लिए लोगों के दिल में प्रेम की वजह से वो अपने पुत्र के साथ सकुशल वहां से भागने में सफल रहे और वापस आकर 3 साल तक शांत रहने के बाद फिर से चुनौतियों के लिए तैयार हो गए।
शिवाजी ने फिर से सूरत पर हमला कर औरंगजेब को अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया, लेकिन इस समय शिवाजी को अपने मराठा साम्राज्य के लिए एक आइडियोलॉजी तैयार करनी थी और उन्हें खुद पर गर्व करने का एहसास करवाना था। पटना और कोंकण में बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद शिवाजी ने अपने और आगे आने वाले अपने वंशजों के लिए छत्रपति के टाइटल को अपनाया। 50,000 लोगों के सामने 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि देकर उनका राज्य अभिषेक किया गया था। शिवाजी ने शासन को संभालने के लिए 8 मंत्रियों का गठन किया जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा सबसे प्रमुख थे। शिवाजी ने सभी धर्मों और महिलाओं के सम्मान को सबसे प्रमुख रखा था। इस तरह शिवाजी ने जिस सुदृढ़ शासन की नींव रखी और जिस विचार को अपने आने वाली पीढ़ियों और भारत के लोगों के लिए रखा, वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। 52 साल की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सोच ने मराठा साम्राज्य को मरने नहीं दिया और बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके सपने को एक जबरदस्त उड़ान दी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिल में प्यार और सद्भाव है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में सहायता की तो मस्जिदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी धर्मों की महिलाओं का सम्मान किया। उनके राज्य में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सैनिकों को सख्त दंड दिया जाता था। भारत के इस वीर योद्धा ने मुश्किल परिस्थितियों में भी स्वाधीनता और स्वराज की सोच को जगाए रखा। नमन है ऐसे वीरों को। आशा है कि यह ऐतिहासिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।